अरेबियन प्रीमियर लीग, एशिया कप T20, T20 वर्ल्ड कप, इन तीनों टूर्नामेंट के कारण IPL के ऊपर मंडरा रहा एक बहुत बड़ा खतरा क्या है, पूरा मामला विस्तार के साथ आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि अब कौन कौन से वो महीने बचे हैं यहाँ पर IPL अभी भी मुमकिन हो सकता है। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट कर दें यार, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर प्लीज वीडियो को शेयर कर देना। और साथ में इंस्टाग्राम के ऊपर ये है हमारा अकाउंट क्रिक स्टार लाइव, इसको कर लेंगे फॉलो। क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगी क्रिकेट के बारे में हर ताजा खबर सबसे पहले। तो यहाँ पर पहला जो मामला है वो आपको बताए, वो है ICC के बारे में। ICC ने यहाँ पर बोला है कि अगस्त तक हम लोग कोई भी फैसला नहीं लेंगे T20 वर्ल्ड कप के ऊपर। T20 वर्ल्ड कप होगा, पोस्टपोन होगा, अगले साल होगा, इसका कोई भी फैसला अगस्त महीने तक नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे में जो मेरा मानना है कि अगस्त तक जो सिचुएशन है कोरोना वायरस के कारण वो पूरी तरह से बेहतर हो जाएगी। कोरोना वायरस अगस्त तक खत्म हो जाएगा तो क्रिकेट दोबारा से शुरू हो जाएगा। क्रिकेट दोबारा से शुरू हो जाता है तो अक्टूबर नवंबर में जो शेड्यूल किया गया था T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पर T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। तो अगर T20 वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर में खेला जाता है तो ऐसे में IPL के लिए जो विंडो की हम लोग बात कर रहे थे, जो BCCI बात कर रहा था कि अक्टूबर नवंबर में IPL कराया जा सकता है, तो वहां पर IPL मुमकिन नहीं हो पाएगा। अगर वहां पर T20 वर्ल्ड कप होगा तो IPL वहां पर नहीं हो पाएगा। दूसरा जो मामला है वो है यहाँ पर CPL के बारे में, कैरेबियन प्रीमियर लीग। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड के CEO ने बोला है कि अगर कैरेबियन प्रीमियर लीग के समय पर IPL कराया जाएगा तो हम लोग अपने खिलाड़ियों को अलाउ नहीं करेंगे कि वो जाकर IPL खेलें। और तीसरा जो मामला है वो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बारे में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड, इन तीनों बोर्डों की सहमति है कि एशिया कप T20 होना ही चाहिए। IPL हो या ना हो, इसके साथ में इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तीन मामले हैं। आप अजय पूरा विस्तार के साथ आपको बताने के लिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं शेड्यूल, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले कैरेबियन प्रीमियर लीग का शेड्यूल देखिए, 19 अगस्त से लेकर 26 सितंबर तक खेला जाएगा CPL यानी कि कैरेबियन प्रीमियर लीग। एशिया कप T20 24 सितंबर से लेकर 6 अक्टूबर तक खेला जाएगा और उसके बाद में T20 वर्ल्ड कप 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक खेला जाएगा। तो ऐसे में अगर देखा जाए 19 अगस्त से लेकर 15 नवंबर तक IPL के लिए कोई जगह नहीं बचती है। तो IPL अगर होगा तो 15 नवंबर के बाद में IPL नहीं होगा, ये बात पक्की है। इसीलिए IPL अगर देखिए होगा तो होगा फिर 19 अगस्त से पहले। अगस्त से पहले अगर IPL होता है तो ऐसे में मई, जून, जुलाई, ये तीन महीने हैं जहां पर IPL मुमकिन हो सकता है। तो यहां पर BCCI को फैसला लेना होगा कि IPL अगर करवाना है तो इन्हीं तीन महीनों के अंदर करवाना है, चाहे वो इंडिया में करवाए या फिर वो श्रीलंका में कराए। श्रीलंका एक बेहतर ऑप्शन है क्योंकि वहां पर कोरोना वायरस के कम मरीज हैं, सिचुएशन वहां पर बेहतर है। हालांकि वहां पर भी खाली स्टेडियम में ही IPL खेला जाएगा। तो ये था इस वीडियो में, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर करना मत।